अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। आज हम नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को डिटेल से डिस्कस किया था और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है प्रीफिक्सेस के ऊपर। चैप्टर वही है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स का, उसका नेक्स्ट टॉपिक है प्रीफिक्सेस। सबसे पहले आप ये देखें कि प्रीफिक्सेस का मतलब क्या है। बेसिकली व्यूअर्स, ये प्रीफिक्सेस का जो वर्ल्ड है ये दो वर्ल्ड से मिलकर बना है, प्री एंड फिक्सेस। प्री का व्यूअर्स मतलब होता है बिफोर, यानी पहले, और फिक्सेस बेसिकली फिक्स की जमा है। तो प्रीफिक्सेस का मतलब ये हुआ कोई चीज़ पहले फिक्स करना। अब व्यूअर्स, ये जो प्रीफिक्सेस हैं ये बेसिकली किस से पहले फिक्स किए जाएंगे, ये आप क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा होगा। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लें। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर्स दैट आर एडिड बिफोर एसआई यूनिट्स, यानी कि वो जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट थे उससे पहले प्रीफिक्सेस को लिखा जाता है, ठीक है। और इनको हम डिटेल में डिस्कस करने से पहले, इसकी एग्जांपल डिस्कस करने से पहले आप ये देख लें कि प्रीफिक्सेस होते कौन कौन से हैं, ठीक है। यहाँ से व्यूअर्स हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सबसे पहले देखें डेका, ये जो लाइन है इसमें प्रीफिक्सेस लिखे हुए हैं और ये सिंबल की लाइन है कि इनको किस सिंबल से डिनोट किया जाता है और आगे उनके मल्टीप्लायर्स लिखे हुए। डेका को व्यूअर्स डी ए से डिनोट किया जाता है और इसको जो इसका मल्टीप्लायर है वो 10^1 है। इसी तरीके से आगे हेक्टो, मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, हेक्टो को स्मॉल एच से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका जो मल्टीप्लायर है वो 10^2 है, ठीक हो गया व्यूअर्स। इसी तरह से किलो को स्मॉल के से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको 10^3 से लिखा जाता है। मेगा को कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है और इसका जो मल्टीप्लायर है वो 10^6 है। उसके बाद गीगा को कैपिटल जी से हम रिप्रेजेंट करते हैं और उसको हम लिखते हैं 10^9 से। उसके बाद टेरा को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मल्टीप्लायर है 10^12। उसके बाद पेटा को कैपिटल पी से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका जो मल्टीप्लायर है वो 10^15 है। और उसके बाद एक्सा, ई एक्स ए, एक्सा, इसको कैपिटल ई से रिप्रेजेंट किया जाएगा और इसका मल्टीप्लायर है 10^18। ये सारे व्यूअर्स में जो मैंने जो आपके सामने प्रीफिक्सेस पढ़े हैं इनके अगर आप मल्टीप्लायर्स पे गौर करें तो ये सारी जो पावर्स थी ये पॉजिटिव है। अब हम नेगेटिव पावर्स को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे 10^1, फिर 2, 3, ये सारे पॉजिटिव हैं। अब नीचे नेगेटिव है, उसको देख लें। डेसी, डेसी को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया जाएगा और इसको हम डिनोट करते हैं 10^-1 से। इसी तरह सेंटी है, उसको स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसका मल्टीप्लायर है 10^-2। उसके बाद मिली को स्मॉल एम से हम रिप्रेजेंट करते हैं और उसका जो मल्टीप्लायर है 10^-3। -1, -2, -3 के बाद -4 नहीं है, डायरेक्ट -6 है। इसी तरह ऊपर 1, 2, 3 के बाद 4, 5 नहीं है, डायरेक्ट 6 है, फिर 9, फिर 12, 15, 18 पावर आ रही है। नीचे भी उसी तरीके से है, ऊपर पॉजिटिव में है तो नीचे नेगेटिव में पावर है। व्यूअर्स, मिली मैंने आपको बता दिया, मिली को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे और 10^-3 से उसको ज़ाहिर करते हैं। आगे माइक्रो का ये सिंबल है, इसको म्यू कहा जाता है और इसको जो इसका जो मल्टीप्लायर है 10^-6 है। उसके बाद नैनो है,
उसको स्माल एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, 10^9 से उसको लिखा जाता है उसकी वैल्यू को। पीको नेक्स्ट है, उसको स्माल पी से डिनोट किया जाता है, उसकी वैल्यू है 10^-12। उसके बाद है फेमटो, उसको स्माल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसकी वैल्यू है 10^-15। उसके बाद एटो को रिप्रेजेंट किया जाएगा स्माल ए से, उसकी वैल्यू है 10^-18। ये तो प्रीफिक्सेस हैं व्यूअर्स, आगे इसका यूजेज कहाँ पे है, डेली लाइफ में इसका फ़ायदा क्या है, तो वो आप एक मैं आपको एग्जांपल लिख के बताता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। मिसाल के तौर पे व्यूअर्स, अभी और मिसाल के तौर पे ये जो वैल्यू मैंने आपके सामने लिखी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहता हूँ कि इस वैल्यू को कापी पे नोट डाउन करें, तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस वैल्यू को आप गलत नोट कर लें। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनके ज़ीरोज़ को काउंट करेंगे, और हो सकता है कि आप जब काउंट कर रहे हों ज़ीरोज़ को तो आपकी काउंटिंग गलत हो जाए, ठीक है, या अगर आपने काउंट ठीक किए हैं तो कॉपी पे लिखते वक्त आप जो है वो उसको गलत लिखते हैं। व्यूअर्स, ये मैंने इस वक्त 18 डाले हैं। बेसिकली व्यूअर्स, ये जो प्रीफिक्सेस हैं ये बहुत बड़ी वैल्यूज़ को और बहुत छोटी वैल्यूज़ को आसान तरीके से रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। अब देखें, ये मैंने 18 डाले हैं, इस सारी वैल्यू को नोट डाउन करना यकीनन मुश्किल है, हो सकता है कोई ठीक नोट कर ले, लेकिन ज़्यादा चांसेस गलती के हैं, एरर के हैं। तो इस एरर से बचने के लिए, इस मिस्टेक से बचने के लिए हम प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं लिखूँगा 48^10^ ये जिस वैल्यू के अंदर पॉइंट नहीं होता उसके आखिर में पॉइंट होता है, ये आप याद रखें। अब यहाँ पर पॉइंट है आखिर में, ठीक हो गया व्यूअर्स, तो ये तमाम ज़ीरोज पॉइंट को क्रॉस करके, पॉइंट जो है इन तमाम ज़ीरोस को क्रॉस करता हुआ आया 48 के यहाँ पे मैं पॉइंट ले आया हूँ, ठीक है। तो जब यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया तो आगे जितने भी ज़ीरो होते हैं वो नहीं लिखे जाते, वो 10^10 में उनकी काउंटिंग लिख दी जाती है, 10^18, क्योंकि 18 ज़ीरोज़ हैं। 48 मैंने लिखा, आगे ये 18 ज़ीरोज थे तो 10^18 कर दिया, ये इसको लिखने का तरीका है, ठीक हो गया व्यूअर्स। अब यहाँ तक तो हमने लिख लिया, अब प्रीफिक्स कहाँ यूज़ होगा, अब आपने ये देखना है कि 10^18 का क्या इसमें कोई प्रीफिक्स मौजूद है। जी हाँ, बिल्कुल मौजूद है, ये देखिए 10^18 का प्रीफिक्स मौजूद है एक्सा, जिसको कैपिटल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट मीन्स कि यहाँ पर हम 10^18 की जगह हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 48E, यानी 48XA। अब आप ख़ुद बताएं कि ये वैल्यू नोट करना आसान है या ये वैल्यू नोट करना आसान है। नो डाउट कि 48E, 48XA, ये वैल्यू नोट करना भी आसान है और किसी को बताना भी आसान है। व्यूअर्स, इसी वजह से प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपके सामने मैं कुछ एग्जांपल्स करता हूँ जिनमें यूनिट्स भी इस्तेमाल हो रही होंगी, सिस्टम इंटरनेशनल की यूनिट्स भी, जिस तरह मीटर है और सेकंड है, मीटर पर सेकंड है, इस किस्म की यूनिट्स भी इस्तेमाल हो रही होंगी। और मैंने आपको बताया था कि यूनिट से पहले प्रीफिक्स इस्तेमाल होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अब यहाँ पर यूनिट भी होती इसकी, फॉर एग्ज़ाम्पल सेकेंड, तो सेकेंड आखिर में आता, सेकेंड से पहले प्रीफिक्स इस्तेमाल होता, ठीक हो गया व्यूअर्स। अब मैं आपको एक एग्जांपल इसकी और बता देता हूँ व्यूअर्स। अब एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं 400,000 मीटर पर सेकेंड, इसको हम इस्तेमाल करते हैं, ज़रा प्रीफिक्स मैं इसको कन्वर्ट करते हैं। अब व्यूअर्स देखें, पॉइंट आखिर में है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 400×10^3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि पॉइंट को मैं
400 के बाद ले आया, ठीक है ना। अब 400 से पहले यहाँ पे पॉइंट नहीं लाया, फिलहाल मैं यहाँ तक लाया हूँ, तो जो पहले ज़ीरोज़ होंगे उनको लिखा जाएगा, जिन ज़ीरोज़ को पॉइंट क्रॉस करता है वो ज़ीरो बेसिकली ख़त्म हो जाते हैं, उनको 10 की पावर में लिखा जाता है। अब ये आ गया 10^3। अब आप यहाँ पे गौर करें व्यूअर्स, 10^3 का कोई प्रीफिक्स है? जी हाँ बिल्कुल है, ये देखें 10^3 का प्रीफिक्स है किलो, यानी कि स्मॉल के से उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 400 किलो, स्मॉल के लिखना है, किलोमीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे आपके जहन में एक यकीनन क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने 4 के बाद पॉइंट क्यों नहीं लिखा, लिख के देख लेते हैं व्यूअर्स। अगर मैं 4 के बाद यहाँ से पॉइंट लेकर आऊँगा तो पॉइंट ने कितनी जंप्स लगाई, जितनी जंप्स लगाता है, जितने डिजिट्स को क्रॉस करता है उतनी पावर बन जाती है 10 की। अब देखें यहाँ पे पॉइंट है 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट्स को क्रॉस करेगा तो 10 की पावर बन जाएगी 5। मैं इस तरीके से इसको क्यों नहीं लिख सकता, उसकी वजह यह है कि 10^5 का मेरे पास कोई प्रीफिक्स नहीं है। आप देखें 10^1 का है, 10^2 का भी है, 3 का भी है, 10^3 के बाद 4 और 5 नहीं है, डायरेक्ट 6 आ जाता है, फिर 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, ठीक है व्यूअर्स। इसी वजह से ये सोच समझ के प्रीफिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। मेरे पास 10^5 नहीं था, ना ही 10^4 था, इस वजह से मैंने 10^3 में इसको कन्वर्ट करके लिखा है। व्यूअर्स एक एग्जांपल हम इसकी और करते हैं, एक एग्जांपल और देख लें आप। फॉर एग्जांपल एक और आपके सामने मैं एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ, 2400,000 वाट, ये एक वैल्यू है 2400,000 वाट। इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, दो तरीकों से। फर्स्ट तरीका ये है, आपको पता है पॉइंट इसके आखिर में है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2400 × 10^3, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं पॉइंट लाऊँ इस प्लेस पे तो पॉइंट ने 3 जो है वो डिजिट्स को क्रॉस किया तो 10^3 हो गया और यूनिट ऐसे ही आ जाएगी वाट, ठीक हो गया व्यूअर्स। अब 10^3 का प्रीफिक्स आपको अभी बताया है कि किलो होता है, जिसको के से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको हम ऐसे लिख सकेंगे 2400 किलो वाट, ठीक हो गया व्यूअर्स। अब क्या हम पॉइंट को 2 से पहले लेके आ सकते हैं, करके देखते हैं। अगर इसी वैल्यू को, ये जो वैल्यू है इसी वैल्यू को अगर मैं ऐसे लिखूं 2.4 × 10^2, यानी पॉइंट को मैं यहाँ पे लेके आ गया। अब कितने डिजिट्स को क्रॉस किया पॉइंट ने, पॉइंट आखिर में था, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट्स को, 10^6 बन जाएगी, यूनिट ऐसे ही आ जाएगा वाट। अब आप देखें 10^6 का प्रीफिक्स है, जी हाँ जी बिल्कुल है, ये मेगा, जिसको कैपिटल M से डिनोट किया जाता है, तो लिहाजा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2.4 मेगा वाट। यानी कि इस वैल्यू को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2400 किलो वाट, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2.4 मेगा वाट, ठीक हो गया व्यूअर्स। अब एक एग्जांपल इसकी और आप देख लें, एग्जाम्पल है व्यूअर्स, सेकेंड एग्जाम्पल 0.0000002 seconds। ये एक बहुत स्मॉल वैल्यू आपके सामने लिखी है। अब पॉइंट इस साइड से इस साइड पे आएगा। अब आप एक बात अपने जहन में रखें कि जब भी पॉइंट जो होता है, ये मैं यहाँ बॉक्स बना रहा हूँ व्यूअर्स, इसको याद रखें कि पॉइंट यहाँ से इधर आता है तो जो 10 की पावर होती है वो पॉजिटिव में होती है, लेकिन जब पॉइंट सफ़र करके यहाँ से उधर आता है तो 10 की जो पावर होती है वो नेगेटिव में होती है, ये आपने याद रखना है। अब देखें
अब इसको पॉइंट को अगर मैं उस साइड पे लेकर जा रहा हूँ तो पावर मेरी नेगेटिव होगी, ठीक हो गया व्यूअर्स। अब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 0.0022 मल्टीप्लाई बाय 10^-6। देखें व्यूअर्स, पॉइंट को मैं लेके आ गया इस प्लेस पे, यहाँ पे। अब देखें पॉइंट ने कितनी जंप्स लगाई, कितने डिजिट्स के ऊपर से जंप्स लगाई। यहाँ पे पॉइंट था, ये एक डिजिट को क्रॉस किया, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को और छठे को क्रॉस किया उसने, ठीक है, 6 डिजिट्स को क्रॉस किया। इस वजह से 10^6 आएगा, लेकिन -6 आएगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट उस साइड से इस साइड पे आया है। अब इसको हम लिखते हैं, यूनिट ऐसे ही आ गई सेकंड, ठीक है। अब देखें 0.0022 10^-6 का प्रीफिक्स है, जी हाँ जी बिल्कुल है, ये देखें आप, ये माइक्रो जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, माइक्रो को म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको 10^-6 कहा जाता है, उसका वैल्यू है। यहाँ पे हम लिखेंगे म्यू सेकंड। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट को ले आऊँ, यानी मैं ऐसे लिखूँ 2.2 मल्टीप्लाई बाय 10^-2। अब देखें क्या बनेगी 10^2। काउंट करते हैं, यानी कि अब जो पॉइंट था वो यहाँ से यहाँ पे आए, देखें कितने डिजिट्स को क्रॉस किया पॉइंट ने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डिजिट्स को क्रॉस किया है, तो इधर आएगा -9। माइनस इस वजह से है क्योंकि उसकी डायरेक्शन इस साइड पे है। यूनिट ऐसे ही आ जाएगी सेकंड। अब इसको लिखें 2.2 10^-9 का प्रीफिक्स क्या है, ये आपके सामने 10^-9 का प्रीफिक्स है नैनो, जिसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी ये हो जाएगा 2.2 नैनो सेकेंड्स, ठीक है व्यूअर्स। अब आपको यकीनन पता चल गया होगा कि ये प्रीफिक्सेस जो हैं इनकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है डेली लाइफ के अंदर। बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ जो होती हैं उस केस में भी ये बहुत इसका इंपॉर्टेंट रोल है, और बहुत स्मॉल वैल्यूज़ जिस तरह ये है, इस केस जब ये स्मॉल वैल्यूज़ होती हैं तो इस केस में भी प्रीफिक्सेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। किसी को बताना पड़ जाए हम आराम से बता सकते हैं, नोट करना पड़ जाए प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करके हम आसानी से नोट करते हैं। उम्मीद है व्यूअर्स आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसी चैप्टर के फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, या आपके सामने किसी और वीडियो या किसी और टॉपिक के साथ आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो, खुदा हाफिज़।